जॉब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी मतलब रेलवे ग्रुप डी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं जो हर जोन का कट ऑफ इश्यू हो चुका है इस बार। आप मैं बता दूं आपको, इस बार कट ऑफ बहुत कम रखा गया है इसलिए कि इसका फिजिकल थोड़ा हार्ड हो चुका है, इसकी वजह से कट ऑफ कम है। तो मैं बता दूं आपको, इसमें हर जोन का कट ऑफ अलग अलग निकाल कर बताया गया है जिसे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन लिखा सब्सक्राइब जरूर दबा दें, इससे कि हर अपडेट इससे आप तक पहुंच सके। अभी तक इसका नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगा जिसमें आप आंसर की सबसे पहले आप कैसे देख सकते हैं, इसके रिलेटेड मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। अगर आप वीडियो में देर से देखते हैं तो आपको ये वीडियो अपलोड हो चुका रहेगा, आप वो वीडियो देख लें जिसमें आपको अपना आंसर की कैसे देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड ले चलते हैं वीडियो की ओर जिसमें आपको हम बताएंगे हर जोन का अलग अलग कट ऑफ क्या रखा गया है इसके बारे में। तो फ्रेंड जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा भारतीय रेल के अनुसार ये जो है उसके अनुसार से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो आपको इस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं कट ऑफ क्या रहेगा, आपको इस वीडियो में पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड ले चलते हैं वीडियो की ओर जिसमें आपको हर जोन का अलग अलग आपको कट ऑफ दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपकी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो शुरू से करने से पहले मैं बता दूं आपको इसमें क्या क्या प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए, आप पता भी होगा आपको जिसमें। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस जो था पहले फर्स्ट था रिटर्न जो आपने सारे स्टूडेंटों ने क्वालिफाई कर मतलब दे चुके हैं। जिन स्टूडेंटों को क्वालिफाई करना है उनका कट ऑफ वो अपने आप जानते होंगे कि मेरा कितना एक्यूरेंसी गया है, मैं कितना सही मारा हूँ, आपको इसमें ये दे आपको ये पता होगा। पहले आप रिटर्न दे चुके हैं, फिजिकल्स की बात आती है तो नेक्स्ट इसका प्रोसेस है फिजिकल्स की, जो आपको नेक्स्ट स्टेप आपको कट ऑफ में बता दूंगा कि आप उसके अनुसार आप तैयारी करें कि आपका फिजिकल जरूर होगा और आप फिजिकल्स की जरूर तैयारी कर ले कि आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाए। तो नेक्स्ट पोर्शन आपका डॉक्यूमेंट्स आएगा, फिर मेडिकल के आएगा। हर वीडियो का स्टेप बाई स्टेप आपको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो आपको हर चीज़ का अपडेट सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए फिर हम ले चलते हैं कट ऑफ की ओर जहाँ से आपको कट ऑफ क्लियर कर दिया जाएगा कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड हम आते हैं बात करते हैं पहले हर जोन की क्या क्या कट ऑफ होने वाली है। तो पहले फर्स्ट कट ऑफ हम बात करते हैं इलाहाबाद, जो एक नंबर पर आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद का क्या कट ऑफ होने वाला है जो आपको यहाँ दिख रहा है 69 से 79 के बीच जितने भी स्टूडेंट का मार्क्स आएगा हाइएस्ट जाएगा 79 और लोएस्ट रहेगा 69। ये आपको पहले बता दूँ ये ओनली इलाहाबाद के कट ऑफ इतने स्टूडेंटों को रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दो नंबर पर अहमदाबाद। अहमदाबाद का ये है आपका 55 से 67, ये आपको कट ऑफ 67 तक ही इसका जाएगा, सेकेंड नंबर पे आपको ये रखा गया है। ऐसे थर्ड नंबर पर बात करते हैं तो आता है पटना। जो पटना की बात करते हैं इसका कोई ख़ास कट ऑफ नहीं है, लो रखकर भी हाई गया इसलिए कि वहाँ सीट की संख्या ज़्यादा थी तो इसलिए 64 से लेकर 83 तक। लेकिन इसकी बैच की जो बीच की दूरी है अंकों की इसमें कुछ ज़्यादा रखी गई है और की अपेक्षा अभी तक के देखने के अनुसार आपको हम बता रहे हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं सिकंदराबाद के लिए, आपको 72 से आपको आएगा 86। ठीक है, 72 से 86 आएगा आपका सिकंदराबाद। आप किस जोन से हैं आपको इसमें क्लियर हो चुका है कि आपका क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, अब आ जाएगा अजमेर के लिए जो आपको आ रहा है 57 से 71 तक रहेगा आपका हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, इधर आपको मैं बता दूं हाईएस्ट मार्क्स ये रहेगा और लोएस्ट मार्क्स ये रहेगा, आपको इसके बीच में ही आपका अंक रहेगा तो आपका ये सिलेक्शन कन्फर्म है कि आपका आप नेक्स्ट प्रोसेस फिजिकल्स की तैयारी में लग जाएं। इसलिए कि ये कट ऑफ बहुत ही मायने रखता है कि आपका रिजल्ट होने वाला है। अब बात करते हैं भोपाल की,
इसी प्रकार है। फिर बिलासपुर 63 से 79%, आपके बीच होगा तो आपका रिजल्ट कन्फर्म है। चेन्नई की बात करते हैं जो साउथ इंडियन, वो 67 से 83 तक जाएगी। बस आपको इसमें जैसे मैं पहले पटना की बात किया उसमें भी 83 था, बस इसमें भी 83, बस थोड़ी सी अंतर में इस दोनों का कट ऑफ रखा गया है। लेकिन हाँ, सिकंदराबाद का 86 भी जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चेन्नई के बाद, उसके बाद आते हैं गोरखपुर के लिए 89 इसका ऊपर जाएगा, सबसे जाएगा इसका 89, अभी तक का हाईएस्ट यही रहा है 89। ठीक है, कोलकाता ठीक है, इसका भी जाएगा आपका 66 से 79 ही तक जाएगा। भुवनेश्वर का आपका अच्छा जाएगा, इसमें कि कुछ खास नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सबसे कम आते हैं गुवाहाटी के, जो 49 से आपका रहेगा 63, ये आपका रहेगा। जो जो स्टूडेंट गुवाहाटी होंगे उनका तो सिलेक्शन पक्का है यार, सिर्फ 50% मार्क्स उनका कम हो तब पर भी उनका सिलेक्शन कन्फर्म होने वाला है। आप गुवाहाटी के तो आप निश्चिंत रहें कि आप फिजिकल की तैयारी पर जुट जाएं। रांची वाले के लिए आपका 57 से लेकर 72, कोलकाता 63 से लेकर 78, और मुंबई के लिए 62 से 75 तक रहेगा। बंगलोर के लिए 71 से 83, जब अभी तक देखने का अनुसार सबसे हाईएस्ट गोरखपुर का जा रहा है 89। ठीक है, अभी तक के अनुसार 89 ही गया है, ये आपका कट ऑफ गोरखपुर के लिए है हाईएस्ट। और लोएस्ट आपको मैं बता दूं, जो लो है 49 है, आपका इसके वजह से ही आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर आप किस जोन से सेलेक्ट किए हैं, आप किस जोन से हैं, आपको खुद पता चल गया होगा कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे जिसमें आपको आंसर की सिलेक्ट हो चुका रहेगा, आपको बस आंसर की देखना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। जय हिंद दोस्तों।